तो भाई अगर हम आज से लगभग 4-5-6 महीने पीछे चले जाएं, या फिर 8-10 महीने पीछे चले जाएं, या फिर लगभग एक साल पीछे चले जाएं और पीछे जाते जाते 2022 T20 वर्ल्ड कप के वक्त में पहुंच जाएं, तो उस वक्त पे जिस एक प्लेयर के लिए ये क्लियरली स्टेटमेंट दे दिया गया था कि भाई ये T20 में खत्म हो चुका है, अब इसके बस का T20 नहीं है, और उसके बाद उसी प्लेयर के लिए ये भी स्टेटमेंट दे दिया गया था कि भाई ये टेस्ट में भी जा चुका है, लेकिन उसके बाद जब आईपीएल 2023 आती है, लोगों को लगता है कि ये प्लेयर जो है अपनी खोई हुई इज्जत को वापस से पाएगा, लेकिन वो आईपीएल 2023 भी ऐसी जाती है कि लोग फिर से इस बात पे मोहर लगा देते हैं कि भाई ये जा चुका है, अब ये नहीं लौट के आ सकता, इसका टाइम अब खत्म हो चुका है। चाहे T20 की बात हो, चाहे ODI की बात हो, चाहे टेस्ट की बात हो, मैं बात कर रहा हूं नन अदर देन KL राहुल की। लेकिन धीरे-धीरे जब वक्त बीतता जाता है और वक्त बीतते बीतते जब ये महीना आता है जिसका नाम है सितंबर, तो वही प्लेयर इस तरीके से वापसी करता है कि हर कोई कहने पे मजबूर हो जाता है, हाँ मेरी वही फेमस लाइन कि वक्त को वक्त बदलते वक्त नहीं लगता। देखो अगर तुम मुझसे ये पूछोगे कि भाई एशिया कप 2023 से लेके अब तक इंडियन टीम के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव क्या रहा है, तो मेरा जवाब एक ही रहेगा, नन अदर देन KL राहुल। क्योंकि KL राहुल ने जिस तरीके से कमबैक करा है ना, चाहे बैटिंग में कह लें, चाहे कीपिंग में कह लें, भले ही कीपिंग में थोड़ा सा हाथ ढीला है, लेकिन भाई बंदा जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है, उस लेवल की बैटिंग के साथ वो अगर कीपिंग में कुछ भी देके जा रहा है ना, भाई सैल्यूट है उस बंदे को। पर यहां पे बात सिर्फ बैटिंग और कीपिंग की नहीं है, क्योंकि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जिस तरीके से KL राहुल ने कप्तानी करी है, और उससे भी बड़ी बात जिस तरीके से उनको कप्तानी के लिए कंसिडर करा गया है, ये समझ लो कि BCCI, रोहित शर्मा और राहुल द्रविड ने एक क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि भले ही KL राहुल के बारे में लोगों ने सोचना बंद कर दिया था, भले ही KL राहुल ने हाल ही में वापसी करी है, लेकिन KL राहुल को लेके हमारे मन में सिर्फ बैटिंग और कीपिंग नहीं चलती है, बल्कि एक फ्यूचर का कैप्टन भी चलता है। यानी कि BCCI बार बार ये कहना चाह रहा है कि जब भी रोहित शर्मा आने वाले वक्त में क्रिकेट को अलविदा कहेंगे, तो KL राहुल ही होंगे जो बड़े फॉर्मेट में कैप्टेंसी की सेकंड चॉइस रहेंगे। हालांकि अब भी चाहे वर्ल्ड कप 2023 की बात कर लें, या फिर पिछले कुछ वक्त में जो ODI सीरीज भी खेली गई हैं, तो वाइस कैप्टन का जो दर्जा मिला है वो असल में हार्दिक पांड्या को ही मिला है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है और कई रिपोर्ट्स भी ये कहती हैं कि हार्दिक पांड्या तब तक ही वाइस कैप्टन है, खासकर ODI में, जब तक KL राहुल पूरे तरीके से सेटल नहीं हो जाते हैं। और अभी तो जिस तरीके से KL राहुल मैच दर मैच खेल रहे हैं, ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि KL राहुल सेटल तो हो चुके हैं, बस अब इंतजार करा जा रहा है कि कब हार्दिक पांड्या से वाइस कैप्टेंसी की पोस्ट छीन के KL राहुल को दे दी जाएगी। क्योंकि हार्दिक पांड्या T20 के तो कैप्टन रहेंगे ही रहेंगे, अभी जब तक रोहित शर्मा रिटायर नहीं हो जाते हैं तब तक शायद हमें वापस से रोहित शर्मा T20 में कप्तानी करते हुए देखने को मिल जाए, लेकिन ये सत्य है कि लंबे समय तक अब रोहित शर्मा T20 में कैप्टेंसी संभालें, ये बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि जब भी कप्तानी रोहित शर्मा से छीनी जाएगी, या रोहित शर्मा अपनी मर्जी से भी जब भी कप्तानी को अलविदा कहेंगे, तो सबसे पहला फॉर्मेट जो वो कप्तान के तौर पे छोड़ेंगे वो कोई और फॉर्मेट नहीं, T20 ही होगा। हर कप्तान इतिहास में यही करता रहा है, तो जाहिर सी बात है रोहित शर्मा की भी यही करने की चांसेस हैं। तो हार्दिक पांड्या आपको T20 फॉर्मेट में तो फ्यूचर के कैप्टन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा, जब बात आती है ODI की, और अगर बात आ जाए टेस्ट की भी, जहां KL राहुल टेस्ट में भी फॉर्म में वापसी करेंगे, क्योंकि टेस्ट में उनका हाल कुछ ज्यादा ही बेहाल है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से खेल रहे हैं, आने वाले वक्त में उनको टेस्ट क्रिकेट में भी अच्छी खासी चांसेस जरूर दी जाएंगी, और अगर टेस्ट क्रिकेट में भी उन्होंने यही फॉर्म अपना जारी रखा, तो आने वाले वक्त में ODI और टेस्ट क्रिकेट का जो भारतीय कप्तान होगा वो कोई और नहीं, वो KL राहुल होंगे। देखो KL राहुल को एज अ कैप्टन बहुत लोग पसंद भी करते हैं, बहुत लोग ना पसंद भी करते हैं, मतलब आसान भाषा में मैं कहूं तो 50-50 यहां पे हो सकता है। कुछ लोग जो KL राहुल को एज अ कैप्टन पसंद नहीं भी करते हैं, उनको ज्यादा शिकायत इस चीज से नहीं है कि KL राहुल कोई खराब कैप्टन है या उनके डिसीजन कोई खराब होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग असल में उनको ना पसंद करते हैं, उनका मेन रीजन ये है, उनका जो मेन तर्क है वो ये है कि KL राहुल फील्ड में बहुत
ज्यादा डेड रहते हैं और ऐसा कैप्टन टेस्ट क्रिकेट में जमता नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में कैप्टन का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि जब मैच मोनोटोनस हो जाए, जब मैच थोड़ा सा रुकाव में आ जाए, तो उस वक्त कप्तान को ही ये रोल निभाना होता है कि वो अपनी हरकतों से, अपनी बातों से और अपने जोश से जो जितने भी टीममेट्स हैं उनके अंदर जोश भर सके। तो मेरे हिसाब से तो मुझे ये लगता है कि आने वाले वक्त में यही होगा कि केएल राहुल भले ही ओडीआई में कैप्टन बन जाएं, लेकिन टेस्ट में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि वहां उनका बैटिंग का भी थोड़ा सा लोचा है और जैसा मैंने कहा वो थोड़ा सा एनर्जी के मामले में डाउन नजर आते हैं। भले ही अंदर से बहुत ज्यादा ऊर्जा रहती होगी, लेकिन फील्ड में जब उनका चेहरा दिख रहा होता है ना स्क्रीन के ऊपर, तो ऐसा लग रहा होता है कि बहुत उदास से हैं, कोई दुख है जीवन में जो बताना नहीं चाहते हैं। वैसे पता है एक कमाल की चीज ये भी है कि केएल राहुल ने हाल ही में जो कमबैक करा है, जो शानदार कमबैक करा है, उसे बैटिंग के मामले में नहीं करा है या कीपिंग के मामले में नहीं करा है, बल्कि कैप्टेंसी के मामले में भी उनका कमबैक के साथ जो रिश्ता रहा है ना, वो अलग ही लेवल का रहा है। जो पहले चार मैच क्रिकेट के इतिहास में केएल राहुल ने एज अ कैप्टन खेले थे, वो चारों के चार मैच इंडियन टीम हारी थी, लेकिन उसके बाद केएल राहुल का कमबैक कुछ ऐसा रहा कि अगले 9 मैचेस लगातार भारत जीत रहा है। अभी तक वो जो स्ट्रीक है वो चल ही रही है, लेकिन तीसरा ओडीआई मैच जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला जाएगा, उसमें हमारे परमानेंट कैप्टन द हिटमैन रोहित शर्मा लौट जाएंगे, तो ये जो स्ट्रीक का खेल है ये शायद कुछ वक्त बाद हमें देखने को मिलेगा। पर उम्मीद करते हैं जब भी केएल राहुल आने वाले वक्त में इंडियन टीम के कैप्टन बने, तो ये जो स्ट्रीक है ये बस जारी रहे। और मेरी यहां पे केएल राहुल एज अ कैप्टन से एक रिक्वेस्ट है कि भले ही आपका दिमाग बहुत तेज चलता होगा, आप डिसीजन भी शायद जो ऑन फील्ड ले रहे हैं अच्छे लेते होंगे, लेकिन हम अपने देश के कैप्टन से ये थोड़ा सा उम्मीद करते हैं कि जब वो हमें दिखे ना, तो एक अलग ही फील आए कि हाँ भाई ये है हमारा कैप्टन। और मेरा मतलब ये नहीं है कि केएल राहुल विराट कोहली की तरह बहुत एग्रेसिव हो जाएं, बहुत जोश में आ जाएं, बहुत चिल्लाने लगें, कूदने लगें, मैं ये नहीं कह रहा हूं। अब जैसे एमएस धोनी थे, वो भी बहुत नहीं बोलते थे, बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करते थे, लेकिन जब स्क्रीन पे दिखते थे ना, तो एक फील आता था कि कोई बड़ा आदमी है, ये जो है इसका दिमाग अंदर ही अंदर कुछ खेल खेल रहा है, और उसे देख के ही हमें ये भरोसा आ जाता था कि ये खड़ा है ना, इसका दिमाग जो है बस वो मैदान में मौजूद है ना, तो चिंता की कोई बात नहीं, ये उस दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपने आप ही खेल पलट देगा। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप केएल राहुल को आने वाले वक्त में इंडियन टीम के कैप्टन के रूप में देखना चाहते हैं, या आप ये बता दें कि आपको लगता है कि आने वाले वक्त में जो केएल राहुल हैं वो ओडीआई और टेस्ट में एक अच्छे कैप्टन बन सकते हैं। इस बारे में जो भी आपकी राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अपन जल्दी से देख लेते हैं कि कौन है आज के क्रिकेट स्टार जिन्होंने भेजा है अपना सवाल हमारे इंस्टाग्राम के द्वारा। तो उनका नाम है विक्रम साहू, जो कहते हैं कि भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, थैंक यू। आपको क्या लगता है कि हमारी टीम में बुमराह, शामी, सिराज को एक साथ खिला सकते हैं? उनको थोड़ी थोड़ी बैटिंग प्रैक्टिस करवाना चाहिए, इससे हमारी टीम बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो भाई देखो, मैं आपके भावनाओं की पूरी कदर करता हूं और मैं समझता हूं कि आप भी मेरी तरह तहे दिल से चाहते हैं कि सिराज, शामी और बुमराह ये एक साथ हमें टीम में खेलते हुए देखने को मिल जाएं। लेकिन देखो यार, कई बार नौबतें ऐसी आ जाती हैं कि टैलेंटो की जरूरत पड़ जाती है। देखो जब पहले बैटिंग होगी ना, शायद तब इतना समझ में नहीं आए, लेकिन कई बार जब स्कोर चेस करने होंगे और हमें अंदर ही अंदर ये पहले से एहसास होगा ना कि भाई 330 का या 320 का टारगेट है, और आखिरी जो हमारे चार बॉलर्स हैं कुलदीप यादव, शामी, सिराज और बुमराह, ये ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, तो ऊपर के बैट्समैन जो होते हैं वही ये सोच के घबराने लगते हैं कि यार हमें संभल के खेलना होगा, हम ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, हम ज्यादा तेज नहीं खेल सकते, हम बड़े शॉट्स नहीं खेल सकते, और इसी के चक्कर में ऐसे मैच हमेशा चले जाते हैं। और देखो मैं तुमको एक और बात बताना चाहूंगा कि सिर्फ ये मत सोचो कि हमारे पास तीन पेसर हैं। हार्दिक पांड्या इस वक्त पे ऐसी बॉलिंग कराते हैं कि वो पूरे तरीके से पेसर ही हैं भाई, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। उसके अलावा जो वर्ल्ड कप होना है वो इंडिया में होना है, तो क्या पता तीन पेसर्स कई मैच में खिलाए ही ना जाएं, मतलब शार्दुल ठाकुर को भी टीम में शामिल ना करा जाए, कई बार हमें तीन स्पिनर्स देखने को मिलेंगे, तो ऐसे मौके पे वैसे ही तीन पेसर जो है नहीं खेल पाएंगे। हमें चाह के भी या ना
चाह के भी दो ही पेसर खिलाने होंगे, तो ऐसा सोचना मैं तुम्हारा लाजमी समझ सकता हूँ, क्योंकि भैया इमोशंस हैं और चाहते हैं कि ये तिकड़ी एक साथ खेले, क्योंकि भाई सच में फाड़ के रख देगी। लेकिन जैसा मैंने कहा, ऐसा केस बहुत ही कम होगा या फिर एवरेज होगा या फिर 50-50 होगा कि तीन मेन पेसर्स हमें एक साथ खिलाने पड़े। और वहीं पर जैसा मैंने कहा कि अगर हम तीन पेसर्स खिलाएंगे किसी मैच में अगर जरूरत पड़ भी गई तो हार्दिक पांड्या को हम बॉलिंग दे ही नहीं पाएंगे। क्यों देंगे बॉलिंग जब शामी, सिराज और बुमराह खेल रहे होंगे, मतलब हार्दिक पांड्या सिर्फ एज अ बैट्समैन टीम के पार्ट बन जाएंगे। तो इससे अच्छा क्यों ना एक बॉलर शामिल कर लिया जाए जो हार्दिक पांड्या के साथ सिर्फ 4-5 ओवर डाल लेगा और साथ ही साथ एक भरोसा टीम में पैदा कर देगा कि भाई जो बैटिंग है ना वो थोड़े नीचे तक जाती है। उम्मीद करता हूं कि मैंने बहुत ही कमाल का जवाब दे दिया, क्योंकि मेरे को सुनकर ही बहुत अच्छा लग रहा था। दो पल के लिए आकाश चोपड़ा की आत्मा मेरे अंदर आ गई थी। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर आपके अंदर किसी की आत्मा नहीं आई है तो भैया अपनी आत्मा का प्रयोग करिए और जाके हमारा लिंक मौजूद है कहाँ, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में इंस्टा पेज का, जाइए जाके फॉलो करिए, मन में कोई सवाल है डीएम करिए, आने वाली वीडियो में आपके नाम को शाउट आउट दे वो सवाल फीचर किया जाएगा। उसके अलावा वीडियो पसंद आए लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुस्कुराते पता नहीं क्यों कह रहा हूं, पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।